वेलकम फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक्स इनकम आइडिया चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज देखिए, ये ऑक्सम का 12 एम्पेयर का चार्जर आया है, तो मैंने इसको बैटरी से तो जोड़ दिया है। अभी एक बार इसका बेसिक जो वोल्टेज है वो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे ये बैटरी का वोल्टेज है, डायरेक्ट देखिए 50 वोल्ट से ऊपर आ रहा है, और ये 10 वोल्ट और ये 12 वोल्ट, दो ही वोल्ट एकदम बराबर बन रहा है। और इसका जो फीडबैक है इसमें भी देखिए 12 वोल्ट और दूसरे वाला लेग पे 2 वोल्ट 2.4 वोल्ट एकदम सही आ रहा है। तो अभी जैसे मैं इसको मेन लाइन पे दे देता हूँ, देखिए सीरीज का बल्ब थोड़ा सा ग्लो करके बंद हो जा रहा है, मतलब इसका बाकी सेक्शन में सही है। और इसमें जो चार्जिंग ऑन है वो वाला एलईडी, इसका कोई भी हलचल इसमें नहीं आ रहा है। और मैंने इसका फीडबैक का भी जो है इसका भी ओपन करके रखा है, तो जब मैं इसको ओपन करके रखता हूँ तो तब देखिए इसमें 3525 आईसी में जो आउटपुट वोल्टेज आ जाता है, हम लोगों को जो शॉर्टिंग करने के बाद जो आता है, ये देखिए बिना शॉर्टिंग का ही इसमें वोल्टेज कुछ ऐसे हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जैसे देखिए ये जो पिन है, इस पिन में देखिए जैसे मैं इसको तो इसमें देखिए वोल्टेज बन रहा है, लेकिन चार्जर इसका ऑफ है। मतलब आउटपुट जो है आईसी में, आईसी जो आउटपुट करता है जिस स्विचिंग से, जिस स्विचिंग वोल्टेज से मॉस्फेट को ऑन होना है, वो वाला वोल्टेज तो बन रहा है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। और वो भी इसका आउट फीडबैक जो है उसको बिना शॉर्ट किए हुई है। तो ये इसका दिखाई हम लोगों को देखा है, दे रहा है, ये किसी मिस्त्री भाई से बन के आया है, तो किसी मिस्त्री भाई का दुकान से ही आया हुआ है। उसके पास कस्टमर आया था तो वो रेडी नहीं हुआ, फिर जाके मेरे यहाँ पर आया है। तो इसका हम लोग बेसिक वोल्टेज जो एक बार देख लेते हैं, फिर मॉस्फेट और इसको एक बार चेक कर लेते हैं डायट सेक्शन में। देखिए जैसे मैं इसका गेट टू सोर्स में देखता हूँ तो 39 यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखिए जैसे 39 इस पे आ रहा है और ड्रेन टू गेट में भी इसका वोल्टेज का देखिए कंटिन्यूटी का इस एरिया से भी इसका सही है, और इस एरिया से इसका थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। जैसे मैं इस एरिया को इसको ड्रेन टू सोर्स में देता हूँ तो इसका जो कंटिन्यूटी है वो डिफरेंस दिखा रहा है। तो चलिए मॉस्फेट को एक बार खोल के देख लेते हैं इसमें क्या है। इसको खोलने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा कि ये मॉस्फेट से है या इसका ड्राइवर सेक्शन का कोई रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो अप डाउन हुआ है कि नहीं। तो इस सेक्शन का जो है एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो मॉस्फेट को निकाल लेते हैं, देखिए इसका एक तो निकल गया है, इसका वैल्यू कुछ ऐसा है, ओरिजिनल तो नहीं लग रहा है क्योंकि ये एस टी का कुछ दूसरा टाइप का है, डी होगा 30N60C3 नंबर से है। और दूसरा वाला जो है वो एक बार देख लेते हैं, दूसरा देखिए दोस्तों, अरे ये तो देखिए दोस्तों, इसमें मिस्त्री भाई ने इसको क्या किया, इसका मॉस्फेट के जगह में इसने इसमें
टायर लगा दिया। देखिए दोस्तों इसका नंबर 30 and 60, लेकिन इसका नंबर देखिए 30 and 60 C3 है और ये लगाया 30 and 60, मतलब मॉसफेट के जगह में डायोड लगा दिया मूड सीरीज का। तो ऐसा अगर ऐसा काम करेगा तो नहीं चलेगा दोस्तों। अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कुछ सेट आता है, देखिए ये डायोड का ही सिग्नल दिखा रहा है, तो किसी मिस्त्री भाई से अगर आता है आप लोगों के दुकान पे तो ज़रूर उसको हार्डवायर का जो पोजीशन है वो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि ऐसा प्रॉब्लम में ना फंसे। तो इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। देखिए एक लगाया दिया इसमें मॉसफेट और दूसरा इसमें डाल दिया एक डायोड। अगर जानबूझ के डाला है या फिर उसने गलती से डाल दिया वो तो पता नहीं है। और अभी हम लोग इसका ऑपोजिट साइड में जो है वो भी देख लेंगे, उस साइड में क्या किया है तो उसको भी एक बार खोल के देख लेंगे। सिर्फ दोस्तों आप मॉसफेट डायोड को भी फॉलो नहीं कीजिए, उसके साथ साथ बाकी जो हार्डवेयर है उसको भी एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। वो चाइल्ड पीसीबी में जो जितना भी सारा रेजिस्टेंस वगैरह लगा हुआ रहता है उसको भी एक बार फॉलो कीजिएगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर किसी में कोई चेंजेस किया हुआ तो देख लीजिएगा उसको भी एक बार, ठीक है। तो उस एरिया में भी देख लीजिएगा। काफ़ी समय ऐसा होता है किसी भाई के पास गया है, अगर वो जान के या बिना जाने अगर ऐसा भी कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए रेजिस्टेंस का वैल्यू एक के जगह दूसरा लगा देते हैं, या फिर कोई ट्रांजिस्टर का पोजीशन चेंज कर देते हैं, ऐसा भी मेरे पास काफ़ी सारा सेट आया हुआ है। तो आप लोगों के पास जब भी ऐसा कुछ सेट आए जिसका प्रॉब्लम थोड़ा सा अनोखा लगता है तो हार्डवायर को भी एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उसका सभी का सही पोजीशन पे है कि नहीं, ठीक है। इस जगह पे तो हम लोगों को सही दिखाई दे रहा है, ये मूड सीरीज का ही डायोड है, ठीक है। इस जगह में सब कुछ ठीक है, बाकी तो मूड सीरीज का ही डायोड लगा के रखा है। तो ऐसे देखिए ये मूड सीरीज का ही डायोड है। तो दोस्तों इस वीडियो का मेन मकसद था ये देख के आपके पास अगर कोई सेट आए तो उसको एक बार ध्यान से ज़रूर देखिएगा, हार्डवेयर का पोजीशन भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको तो मैं मॉसफेट डाल के इसको सेट रेडी कर दूंगा। तो दोस्तों अभी यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।